हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग CHSL इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज है 36th सेट, मतलब लास्ट सेट। ठीक है, तो एक दिन शुरू किया था जिस दिन फर्स्ट सेट था, आज 36th है। बीच में बहुत सारी बातें हुई। खैर, ये 21st मार्च का आखिरी शिफ्ट है और ये चौथी शिफ्ट होगी। ठीक है, तो 36th सेट थे, हमने आज आखिरी वाला उठा लिया है। तो आज अभी थोड़ी देर बाद ये CHSL का पूरा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे अभी मेंस का। ठीक है, MTS शुरू करेंगे और मेंस का शुरू करेंगे। तो मेंस का CGL में चार है और CHSL में एक है। ठीक है, CHSL में एक है, तो ये 5 मेंस के भी हमको कराने हैं। कई बच्चों की डिमांड भी है और मैं भी चाह रहा था कि जब आप CGL और CHSL अभी दे लेंगे, CGL दे रहे हैं, इसके बाद आपको मेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ज़्यादा पुराने मेंस नहीं कराऊंगा, यही जो अभी हुए थे 2023 में हुए थे वही वाले मेंस कराऊंगा, CGL वाला भी, CHSL वाला भी। CHSL का तो 2022 वाला मिलेगा, 23 वाला इसके बाद मिलेगा, तो 22 वाला मैं मेंस आपको करा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया रहे मेंस हमें कैसे अटेंड करना है, क्या करना है। तो आपको मेंस के लिए भी मैं शुरू कर रहा हूँ तैयार करना। हाँ, जो MTS वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हों यार, मैंने बोला है मैं करा दूंगा। तो ये मेंस भी और आपका MTS भी साथ में ही चलेगा, बीच बीच में मेंस का डालता रहूँगा। मेंस के कम पेपर हैं तो बीच बीच में मेंस का डालता रहूँगा और MTS लगातार चालू रहेगा। क्लियर, तो जो लोग MTS दे रहे हैं वो मेंस वाले भी अंग्रेज़ी लगा लें, अंग्रेज़ी में नहीं कोई फ़र्क है ना, तो आप अंग्रेज़ी लगा लीजिएगा, मेंस वाले भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन हम लोग, और जब डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा फिर थोड़ी बातें कर लेंगे। तो स्टार्ट करो आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। कह रहे हैं कि इन चारों सेंटेंस में कौन सा है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, दीज तो चारों में सही है, कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट की स्पेलिंग सही है, कैन सही है, वर्क गलत है, WORK होगा। तो आगे हम बढ़ नहीं रहे हैं, खाली यहीं पे हमारा काम बन गया। दूसरे में लिखा है दीज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स सही है, कैन वर्क या ये भी सही है, इंडिपेंडेंटली ये भी सही है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, तो दूसरा वाला आंसर सही है। अब तीसरा क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, कहीं मान लो कुछ गड़बड़ी हुई तो एक क्रॉस चेक कर लो। लिखा है दीज कंपोनेंट्स कैन वर्क इनडिपेंड, ये देखो इनडिपेंड में ये इनडी, तो पी के बाद जो ई डी लिखा है तो पी ई एन होना चाहिए ना, इनडिपेंड डिपेंड पी ई एन तब डी होगा, यहाँ देखो पी ई एन डी है ना, पी ई एन डी होगा, तो यहाँ पी ई एन डी में यहाँ ये काट दिया इन्होंने, तो ये गलत हो गया। और इसमें कंपोनेंट में आ जाओ तो एन के बाद ए लगा दिया है, तो तीन तो गलत निकल गए ना हमारे, तो ये एक ही दूसरा वाला सही है। फिर आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्म बताओ, आप किसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। लिखा है कि ली सेड टू हिज वाइफ, ली ने अपनी वाइफ से कहा कि आई एम हैप्पी टूडे। तो अब ली ने अपनी वाइफ से कहा है, इसका मतलब ली जो है वो मेल है, तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, ये ही हो जाएगा, और एम की जगह पर वाज हो जाएगा, और टूडे की जगह पर दैट डे हो जाएगा। तो एक में तो टूडे होगा, देखो दो में टूडे लगा हुआ है, पहले तो इन दोनों को खारिज करो, ये दोनों खारिज हो गए। अब हमें एम का वाज चाहिए था, तो ये हैज बीन लिखा हुआ, ये खारिज हुआ। अब यही है जिसमें देखो ही वाज और ये दैट डे भी लगा हुआ है, तो आपका दूसरा बड़ी सहूलियत से आंसर मिल गया। ठीक है, चले आगे चलते हैं, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, एक idiom दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बताओ। तो idiom क्या है, द वाइज एंड वेयर फोर्स, तो वाइज का मतलब हुआ ये तो वाई क्यों के लिए लगाया जाता है, और वेयर फोर पुरानी इंग्लिश है, ये भी वाई के लिए लगता था, तो वेयर फोर की, वेयर फोर का ही मॉडर्न वर्ड है वाई। तो ये दोनों ही क्या बताते हैं, दोनों ही बताते हैं आपको रीज़न, क्या बताते हैं, दोनों ही कारण बताते हैं ना भैया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जब दोनों कारण बताने के लिए लगाए जाते हैं तो रीजंस में लगाओ, हो गया आपका आंसर। अब आगे आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से idiom फ्रेज है। तो अब इसमें idiom क्या दिया, एज हार्ड एज नेल्स, नेल्स का मतलब क्या होता है, नेल अगर आप लोहे में जाते हो तो कील को कहते हैं, जो कील दीवार में ठोकते हैं वो
नेल होता है। तो हार्ड तो नेल भी होती है, क्योंकि अगर हार्ड ना हो तो दीवार में या लकड़ी में ठुकेगी कैसे। अच्छा, बॉडी में अगर आ जाओ, ह्यूमन बॉडी में नेल कहते हैं नाखून को, तो हार्ड तो नाखून भी होता है ना भैया। बॉडी में जितने भी होते हैं, जैसे तो हमारे दांत होते हैं, नाखून होते हैं, तो ये सब हार्ड तो होते ही हैं ना, ठीक है। तो अब ये मतलब हुआ कि एज हार्ड एज नेल्स होता, बहुत ही टफ चीज़ है कोई हार्ड है। तो फील नो पेन, देखो नो पेन वाला मैटर नहीं है और ना ही स्टबर्न का मैटर है, और हार्ड वर्किंग भी नहीं है। ये फिजिकली या मेंटली टफ होता है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होगी, चौथे नंबर पे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि मीन्स द सेम, एक वर्ड दिया है इसकी सेम मीनिंग बतानी है। इसमें हमारा और आयोग में आपके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ठीक है। हमने तो ऑक्सफोर्ड वगैरह में हर जगह देखा, तो ऑफलेट की जो मीनिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या हुआ, एकदम से प्लेन होगी कोई चीज़, ठीक है, ए एकदम से प्लेन होगी, फ्लैट होगी, ठीक। और हीथेन जो लिखा हुआ है वर्ड, हीथेन का मतलब होता है जो अपना धर्म त्याग देता है, धर्म विमुख होता है, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट हिज रिलीजन, जो अपने धर्म के ही अगेंस्ट में होता है। और सेकुलर का मतलब क्या होता है, सारे धर्मों को एक समानता एक तरह से मानता है वो, ठीक है। और मैंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी, ठीक, मैंडिकेंट का मतलब क्या हुआ, भिखारी, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है। और ले पर्सन का मतलब होता है आम आदमी, कौन हो गया, कॉमन मैन, आम आदमी, जैसे हम आप लोग हो गए, ठीक है, ये आम आदमी हो गया। अब इसमें देखो, फ्लैट या प्लेन का कोई इसमें दिया नहीं है। अब देखा जाए तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ले पर्सन या आम आदमी, साधारण आदमी भी हो सकता है। लेकिन जो आग आपके आयोग ने, एसएससी ने जो आंसर दिया है वो थर्ड वाला दिया था, मैंडिकेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो ओबलेट का सिमिलर उन्होंने मैंडिकेट क्यों दिया, मैंडिकेट की मीनिंग होती है भिखारी, बेगर होता है, और यही एसएससी ने आंसर दिया था। अब मैं इसमें आपको समझा नहीं सकता कि एसएससी ने ये आंसर क्यों दिया था, क्योंकि मैं ही इसका रीजन समझ नहीं पाया कि मतलब ओबलेट का इन्होंने साइनोनिम मैंडिकेंट क्यों दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे मतलब क्षमा चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर नॉट एक्सप्लेनिंग दिस आंसर प्रॉपरली, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं आपको, मतलब झूठ नहीं कर सकता, नहीं आता तो नहीं आता, या नहीं आने का क्या है, चारों का मैंने आपको मतलब बता दिया। अब ये प्रॉब्लम है कि उसका आंसर कैसे किया जाए, आयोग ने क्या माना था वो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो इनकरेक्टली, ध्यान रखना इनकरेक्टली लिखा हुआ है, तो इनकरेक्टली स्पेलिंग किसकी इनकरेक्ट है, वॉशिंग की तो ठीक है एकदम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं नजर आई मुझे वॉशिंग की स्पेलिंग में। अब और कौन सा वर्ड इसमें बच रहा है, बर्निंग। बर्निंग तो बी यू आर एन के बाद आई एन जी होनी चाहिए कि नहीं, देखो बर्न हो गया उसके बाद आई एन जी होनी चाहिए, और इसका जो एन है वो खा गए, तो मतलब ये आपका आंसर हो गया। कॉलिंग सही है, मॉर्निंग की सही है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, इनकरेक्ट में बताना है आपको, तो यही बर्निंग वाला हो जाएगा दूसरा वाला। मतलब आसान था, लेकिन यह है कि अगर आप ये सोचोगे कि ये बर्निंग नहीं कहीं कोई और वर्ड ना हो तो धोखा हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बर्निंग ही था। आगे बढ़ो, लिखा है द डैश हर्ड दैट। अब डैश, अब कोई है देख लो, द डैश हर्ड दैट द रिलेशनशिप वाज स्टॉर्मी एंड हैड ब्रोकन अप सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो, हर्ड का मतलब सुना, ठीक है, ने सुना, तो होगा तो कोई पर्सन ही यहाँ पे ना, कोई वस्तु तो आ नहीं सकती है किसी कीमत पर, तो देखो इसमें कौन है जो पर्सन के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है ना, इसमें पर्सन के रूप में कौन यूज कर सकते हो। तो एक वर्ड है इम्पन, तो इम्पन का मतलब होता है विवाद। अब विवाद ने सुना, ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। इम्प्यूट है, इम्प्यूट का मतलब होता है आरोपित, मतलब कुछ किसी को कोई अक्यूज कर देना, किसी पे कोई चीज़ इम्पोज कर देना, अध्यारोपित करना, मतलब शुद्ध हिंदी में होगा, और इम्पोज कर दो ये ठीक है, ये हो गया। तो ये वर्ब है इम्प्यूज करने के लिए, तो अब वर्ब द इम्प्यूट कहाँ से होगा, वर्ब है। द इंक्वायरी लिखा है, ठीक है, तो इंक्वायरी, जैसे एक इंक्वायरी कमेटी होती है, इंक्वायरी जो जाँच कर रहे होते हैं, तो ये सुन सकते हैं, हो सकता है कि द इंक्वायरी हर्ड दैट
जो इंक्वायरी कमेटी है, जो इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, वो सुन सकते हैं कि रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ था, स्टॉर्मी था और कई बार वो टूट चुका था संबंध। तो ये है एक बॉडी है, एक संस्था है, ये सुन सकते हैं। और इनऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो भाई इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ना, वो असामान्य होता है, जो जनरल नहीं होता है, ठीक है, अनकॉमन होता है। तो अब ये भी नहीं सुनेंगे, ये कौन सुनेंगे? तो इसमें सुनने लायक यही है इंक्वायरी, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। अब आगे आ जाओ, आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहे हैं कि पैसिव फॉर्म बतानी है आपको किसकी, द चाइल्ड लॉक्ड द शटर्स। तो शटर्स इधर हो जाएगा, लॉक्ड यहाँ हो जाएगा और चाइल्ड इधर हो जाएगा। तो द शटर्स जो है वो प्लूरल है और लॉक्ड जो है ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर लगाएंगे और वर के साथ लॉक्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले तो द शटर्स खैर सारे में लगा हुआ है, वर लॉक्ड आप ढूंढिए, द शटर्स चारों में है, वर लॉक्ड तो ये हैड बीन नहीं होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर लगेगा और ये वर लॉक्ड दिया हुआ है, ये आर नहीं लगेगा, ये वुड नहीं लगेगा, एक ही ऑप्शन है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक में वाज लगा के दे दें, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप वर्ब अगर पकड़ लेते हैं तो बस सारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी किए हैं करीब करीब सब ऐसे ही हो जा रहे हैं, मतलब एक ऑप्शन सही होता है, बाकी दो सब दूर दूर तक मतलब नहीं होता। एक आध भले इस तरह का आया हो कि जिसमें दो दो ऑप्शन पॉसिबल लगे हों, ठीक है। तो आओ 9th वाले नंबर पर, तो यहाँ पर आपको एरर ढूँढनी है, ठीक। वॉट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक। अच्छा, तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक। अब ये बता रहे हैं कि पिंक जो है एडजेक्टिव है, वो पीछे लगा दिया इन्होंने ना। तो अब लगाना क्या चाहिए था, फैंसी पिंक ड्रेस क्या होना चाहिए, फैंसी के बाद पिंक होगा। देखो एक नियम होता है एडजेक्टिव यूज करने का, उसमें एडजेक्टिव किसी एक नाउन के लिए जब एडजेक्टिव लगाते तो सबसे पहले क्या यूज किया जाता है, डिटर्मिनर यूज किया जाता है। डिटर्मिनर के बाद क्या लगाई जाती है, क्वालिटी यूज किया जाती है। जैसे ये फैंसी है तो फैंसी क्या है, क्वालिटी दी हुई है, क्वालिटी लगाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, साइज, ये साइज के लिए लगता है। उसके बाद ये लगता है एज यूज की जाती है। उसके बाद किसी चीज़ का शेप यूज किया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, कलर यूज किया जाता है। कलर के बाद उसकी ओरिजिन दी जाती है, ओरिजिन के बाद मटेरियल दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्वालिटी कहाँ आएगी, पहले आएगी, उसके बाद कलर कहाँ आएगा, क्वालिटी के बाद में आ रहा है। तो फैंसी के बाद आपको पिंक यूज करना चाहिए था, उसके बाद कहीं जाके आपको नाउन यूज करना चाहिए था। तो फैंसी पिंक ड्रेस होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन किसके लिए है, एक बार और दोहरा दूं, चलो दोहरा देता हूँ। डी फॉर डिटर्मिनर मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर द माई और हिज हर दिस दैट दिस दोज ये सब होता है। देखो यहाँ दिस लगा है कि नहीं लगा पहले, तो ये डिटर्मिनर है, दिस पहले लगा है। उसके बाद क्वालिटी, क्यू फॉर क्वालिटी, तो दिस के बाद फैंसी लगा दिया, क्वालिटी है, दो में क्रम सही दिया इन्होंने। उसके बाद एस क्या होता है, एस होता है साइज, मतलब जैसे बिग है लॉन्ग है ये सब हो जाता है, हैवी है ये सब होगा। ए फॉर एज होगा, जैसे न्यू है ओल्ड है ये सब हो जाता है। यस है शेप के लिए, ओवल है, सर्कुलर है, ट्रेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ये सब आ जाएगा। कलर फॉर, जैसे फॉर कलर है तो रेड ब्लैक ब्लू ये सब हो जाता है। तो यहाँ पिंक पीछे दिया हुआ था इसलिए आगे ले जाना पड़ा। ओ फॉर ओरिजिन है, जैसे लिखा इंडियन चाइनीज इटालियन ऐसे। एम फॉर मटेरियल है, जैसे वुडन है, लेडन है, वूलन है, गोल्डन है, सिल्वर है, ये सब आ जाता है। उसके बाद आप नाउन लगाओगे, क्लियर। तो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखो जो मैंने बताया है, दो बार में तीन बार में देख के एक नोट कर लेना। किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव जब दो तीन लगते हैं तो इसी क्रम में यूज किए जाते हैं। आंसर आपको मिला है जिसमें ये पिंक लगा हुआ है वही गलत है, तो ये चौथा वाला हो गया। आगे बढ़ें, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर अपने 10 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, साइनोनिम बताना है किसका, डेसीमेट का, ठीक है। तो पहले बताओ डेसीमेट की मीनिंग क्या होती है। डेसीमेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टूट जाना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। जैसे शिप वगैरह होती है तो वो मतलब टकरा के जब टूट जाती है तो उसको यूज़ किया जाता है। डेसिमेट एक तरह से कह सकते हो डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट का अपोजिट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, या डिस्ट्रॉय हो जाए, विनाश हो जाए, रैकेज हो जाए, टूट फूट जाती है। तो ये होता है रैक होता है, तो रैक स्पेशली लगता है शिप के लिए, पानी में जो चीज़ें चलती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वाटर। तो जो पानी में जैसे शिप हो गई, बोट हो गई, ये सब अगर कहीं पानी होने में
किसी चीज़ से टकराव करा के टूट जाती हैं तो उसको रैक कहते हैं, सिपरेक होता है तो जहाज़ टूट जाती है उसको कहते हैं, जैसे टाइटेनिक का सिपरेक हो गया था तो वो होता था, इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये होगा आपका ठीक ठीक साइनोनिम। और देख लो इस्टैब्लिश, आप जानते ही हो कोई चीज़ स्थापित करना, हार्बर बंदरगाह को कहते हैं। और मेंड का मतलब होता है एंटोनिम, हो जाएगा मेंड का मतलब किसी चीज़ को रिपेयर कर देना, उसको सुधार देना, उसकी मरम्मत कर देना। तो आंसर चौथा वाला हुआ। अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। सेंटेंस दिया है, पी क्यू आर एस दिख ही रहा है आपको, तो करना क्या है इसमें आपको पता ही है। और स्टार्टर कोई नहीं दिया हुआ है, अब कोई स्टार्टर नहीं दिया है तो हम इसी में, जब स्टार्टर रहता है थोड़ी आसानी हो जाती है, नहीं रहता तो हमको इसी में स्टार्टर ढूंढना होता है। तो देखो जरा, पी में लिखा हुआ कि बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च, कुछ शुरुआत ही नहीं हो पा रही है यहाँ पे। बेंडिंग बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक है देखें आगे। अब लिखा है कि पीपल यूजिंग एरोहैप्टिक्स क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ टच विद जेट ऑफ एयर्स, ठीक है यहाँ भी काम नहीं बना हमें शुरुआत का। फिर लिखा है माई कलीग एंड आई वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगोज, हाँ ये तो ठीक है, पर अब ये देखना है कि हमने किया क्या है। आगे लिखा है कि ग्रुप हैव नाउ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ होलोग्राम्स, तो हैव नाउ डेवलप्ड, हाँ तो ठीक है। सब्जेक्ट ये हो सकता है, किसने ये काम किया है, मैंने और मेरे कलीग ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में काम कर रहे थे। आर से ही स्टार्ट होगा और कोई स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, तो अगर हमारा स्टार्टर आर मिल गया ये मेरे श्योर है, इनमें से कोई होगा नहीं, यही एक है जिसमें आर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा स्टार्टर मिल गया। अच्छा एक ही ऑप्शन है स्टार्टर का, तो बात ही ख़त्म हो गई ना, यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। और ये देखना है कि ख़त्म किससे नहीं हो सकता, क्यों से ये एंड हुआ है। अब यहाँ पर देख लो कि किससे किससे एंड नहीं हो सकता था। देखो तो देखिए यहाँ पे लिखा है होलोग्राम्स ऑफ, ऑफ लगा हुआ तो एंड एस से हो नहीं सकता, ये काट दो। और यहाँ पे एक देख लो ग्लासगोज लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगोज, तो ये अपोस्ट्रोफी पे ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो आर से भी एंड नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ आ जाओ, लिखा है सेंसिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च, रिसर्च के बाद ये रिसर्च ग्रुप आ जाना चाहिए ना, पी के बाद एस आ जाना चाहिए था, तो रिसर्च ग्रुप ये ख़त्म, ये भी अधूरा है, इसके बाद जो कुछ डिमांड कर रहा है, तो एंड पी से भी नहीं हो सकता है, एंड केवल क्यू से भी हो सकता है। यहाँ लिखा है क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ टच विद जेट ऑफ एयर, जेट्स ऑफ एयर, ये एंड हो रहा है, तो केवल यही क्यू ही एंड कर सकता है, आर ही स्टार्ट कर सकता है, तो दोनों लिहाज से यही डी वाले के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में क्या है कि एक सब्स्टिट्यूट करना है इस सेंटेंस को, लिखा है आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब ये होता है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी बुला लो, टॉपिक दे दो, कभी भी बुला लो, चाय पी रहे हैं बुला लो, दो शब्द इस पर बोल दीजिए तो आएंगे, वो बोल देंगे, टॉपिक सुन लेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। तो मतलब वो लोग जो बिना प्रिपरेशन के, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब दे कैन डिलीवर अ स्पीच, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब किसी भी समय कह दो वो बोल देंगे, तो ये होता है, तो इनके लिए हो गया एक्सटेम्पर, आंसर हो गया आपका। इयोलॉजी क्या होता है, इयोलॉजी मतलब होता है प्रशंसा, किसी की तारीफ में जब हम लोग बोलते हैं तो उसको कहते हैं प्रशंसा, इयोलॉजी कहते हैं। क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, क्रॉनिकल इतिहास होता है, घटनाओं का सिस्टमेटिक क्रम होता है। और पैराबल कहानी को कहते हैं, जिसमें उपदेश वाली मॉरल स्टोरीज जिसमें होती है ना, मतलब नैतिकता जिसमें सिखाई जाती है, उसको पैराबल कहा जाता है। ठीक है तो आंसर आपका ये चौथा वाला हो गया। बढ़ते हैं हम लोग आपके अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या करना है, आपको खाली जगह में कुछ भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, चलिए देखिए, लिखा है कि योर ईयर हैज़ थ्री मेन डैश, आपके कान में तीन मेन डैश होते हैं, क्या होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। तो जाहिर सी बात है ये पार्ट है ना, बाहर वाला, बीच वाला, भीतर वाला, तो पार्ट ही होते हैं ना, हमारे कान में प्लग नहीं होता जी वो। खैर ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है किसके लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा ईयरफोन वगैरह लगा के चलते हैं तो उनके लिए वह ईयर प्लग लगा लिए। कुछ लोग तो यहीं देख के लगा देंगे ईयर प्लग, पर ये नहीं होगा, इधर भी पढ़ लो, आउटर, मिडिल और इनर जब पढ़ोगे तो प्लग नहीं लगाओगे, ना सब्जेक्ट लगाओगे और ना ही इवेंट लगाओगे। आउटर, मिडिल और इनर इवेंट नहीं होते, इवेंट क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक आगे आ जाओ 14 नंबर पे। तो 14 नंबर में क्या दिया है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। इम्प्रूवमेंट कहाँ करना, यहाँ आपको करना है। ठीक है तो देखो, आई डिड नॉट हैव टाइम्स, टाइम्स कैसे हो सकता है, आई डिड नॉट हैव टाइम। देखो टाइम्स तब लगता है जब हम कहते हैं मेनी टाइम्स, कई बार,
कई बार, जब आपको कहना हो बार, इतनी बार, तो फ्रिक्वेंसी के लिए आप टाइम्स लगा सकते हो, समय के लिए आप प्लूरल नहीं कर सकते, समय अनकाउंटेबल है, ठीक है, मेजरेबल है, काउंटेबल नहीं है। तो आई डिड नॉट हैव टाइम टू वॉच द होल मूवी, मतलब पूरी मूवी देखने का टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो टाइम ये हो गया, ठीक है, ये टाइमर और ये तो होगा नहीं, फिर यहाँ भी टाइम लगा हुआ, तो लेकिन टू के बाद वॉचिंग लिखा हुआ, इसलिए गलत हो गया, टाइम टू वॉच दूसरा वाला हो गया। अब आ जाओ 15 नंबर पे, फिर खाली जगह भरना है, देखो लिखा है द ह्यूमर ऑफ द गॉड्स इज क्रूएल, जो गॉड का ह्यूमर है ना, देवताओं का जो मजाक है वो थोड़ा क्रूएल होता है, और डैश दे सी मोर देन वी डू, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डैश देखते हैं मोर देन वी डू, मतलब जितना हम देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लोग देखते हैं, तो या शायद निकल क्या रहा है, गॉड का ह्यूमर क्रूएल है, मतलब गॉड का मजाक बड़ा क्रूर है। अब देखो गॉड ये होता नहीं कि मतलब कहीं विनाश आ जाता है, तो उसी को कहते हैं गॉड का मजाक बड़ा क्रूर है, मतलब क्रूएल है, या फिर शायद वो हमसे कहीं ज़्यादा देखता है जितना हम देखते हैं। तो अनलाइकली मतलब क्या होता है, इस बात की संभावना ही नहीं, इस बात की संभावना ही नहीं, यहाँ तो संभावना की बात कर रहे हैं, या तो ये है या शायद ऐसा हो, तो परहैप्स लगाओ, ऑड्स और हाउएवर का कोई यहाँ सेंस नहीं है, शायद, ठीक है, तो परहैप्स सुटेबल है। आगे आ जाओ 16 नंबर पे, 16 क्या करें, एंटोनियम बताना है किसका आपको, फ्रेट का, फ्रेट का मतलब देखो एक सीधा सा बताएं, फ्रेट का मतलब होता है झुंझलाना। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि झुंझलाना क्या है, किसी जिसे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक, कोई रीजनिंग का कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, एक बार लगाया, दो बार लगाया, लग नहीं रहा है, आप सही ढंग से नहीं चल रहे, तो खींच जाते हैं, झुंझला जाते हैं, हट तरीके नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ जब करते हैं तो ये होता है। लेकिन अब ये सोच विचार के लिए भी होता है, मतलब दिमागी रूप से जो परेशान हो जाते हैं वो फ्रेट हो सकता है, किसी चीज़ पर आप लगातार वही एक ही चीज़ पर चिंतन मनन मतलब गुथे जा रहे हैं, वो भी फ्रेट होता है, बेसिकली यही होता है। लेकिन किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान होना, ये भी होगा। एंटोनियम इसका क्या होता है, सुकून, रिलैक्स, तो ये हो गया, ठीक। अंगेज का मतलब भी होता है किसी चीज़ को लेकर के परेशान होना, चिंता में पड़ जाना। पाइन का मतलब होता है एक तरह से छटपटाहट आ जाती है, और एंगजियस ये भी देखो मानसिक रूप से परेशान, तो ये करीब करीब ये सब सिमिलर में ही हैं, यही है अपोजिट जिसमें आप आराम से, तो रिलैक्स हो गया। आओ 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, सब्स्टिट्यूट करना, एग्जैगरेटेड क्लेम्स नॉट मीन्ट टू बी टेकन सीरियसली, मतलब कोई चीज़ बहुत एग्जैगरेटेड है, एग्जैगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़, ठीक, कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ कही गई है, मतलब सीरियसली लेना नहीं है इसको, जितना कहा जा रहा है उतना सीरियसली नहीं, मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है वो बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो हाइपर देखो लगा तो इन्होंने सब में दिया है हाइपर, लेकिन हर जगह हाइपर नहीं होगा, हाइपर बढ़ा चढ़ा के बढ़ गया, कहाँ होगा यहाँ पे हाइपर बोल, बड़ी बड़ी बातें करना वो क्या हो गया, हाइपर बोल, ये अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति अलंकार है एक। हाइपर गेमी आप जानना चाहते हो, मीनिंग बता दो, हाइपर का मतलब क्या हुआ, हायर, तो इसमें होता क्या है, जब दूल्हा जो होता है, दूल्हा लिखूँ हाँ, जो वर होता है, वर दूल्हा, वर क्या होता है, हायर क्लास का होता है, हायर स्टेटस का होता है, और जो दुल्हन है वो लोअर स्टेटस की होती है, मतलब एक्सोगेमी में हो जाता है, जैसे अंतरजातीय विवाह करते हैं, जब लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, ऊंची जाति का उच्च वर्ण का दूल्हा हो और निम्न वर्ण की दुल्हन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरगेमी, और निम्न वर्ण का दूल्हा हुआ, उच्च वर्ण की दुल्हन हुई, तो हाइपोगेमी, तब एक वर्ड आ जाएगा क्या, हाइपो, ठीक है, हाइपोगेमी हो जाएगा, और दोनों समान स्टेटस के होंगे तब क्या होगा, आइसोगेमी हो जाएगा, ठीक है। और हाइपरप्रेक्सिया, ये हाइपर पायरेक्सिया दिया हुआ है एक वर्ड, ठीक है, तो अब इसकी मीनिंग आप लोग ढूंढिएगा, हाइपर तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कैसे कैसे में लगाना है, हाइपर में क्या होगा, ठीक है, आंसर हो गया आपका हाइपर बोल, एक हाइपर गेमी बताइएगा, हाइपर पायरेक्सिया आप लोग ढूंढ के हमको बताइएगा, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाइपर का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हायर होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर होगा, अब आप लोग बताइएगा हाइपर पायरेक्सिया क्या होगा और हाइपर रियल क्या होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं बताओगे तो मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे,
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या करना है इसमें, एरर बतानी है। इट्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट, मुझे गलती मिल गई, सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ, टू कंडक्ट ट्रूली कैजुअल रिसर्च ऑन मीडिया कंजम्पशन एंड सुसाइड। ठीक है, तो ये इट्स देखो, पहले आप यहाँ समझो, एक होता है इट्स ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब होगा कि ये पजेसिव सेंस में आता है। ठीक है, जैसे इट्स बीक, इट्स टेल, इट्स हॉर्न्स, ऐसे हो गया पजेसिव में। और एक इट्स ऐसे लिखा जाता है, कामा लगा के एस होता है, तो इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, तो यहाँ कौन सी ज़रूरत है, इट्स देखो यहाँ क्या लिखा है, इट्स इम्पॉसिबल मतलब ये असंभव है, तो यहाँ कौन सा सेंस आना चाहिए था, इट इज का सेंस आ रहा था ना, यहाँ इट इज का सेंस आ रहा, तो हमें ये वाला इट्स लगाना पड़ेगा, ये वाला इट्स यहाँ नहीं लगा सकते हो, तो ये वाला इट्स गलत है, यहाँ होना चाहिए था ये वाला इट्स। समझ गए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है भैया, इम्प्रूवमेंट का ये अंडरलाइन किया हुआ है, पढ़ो जरा। लिखा है द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स, मतलब औरतें जिनकी संख्या घर के बाहर काम करने वालों की है, मतलब घर से बाहर काम करने वाली औरतों की संख्या, हैज़ बीन, तो ये जो हैज़ लगा है वो द नंबर ऑफ के लिए लगा है, तो हैज़ सिंगुलर है, हैज़ बीन स्टीडी इंक्रीजिंग। अब स्टीडी इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग बढ़ रही है, तो ये क्या हो गई वर्ब, और स्टीडी क्या हो गया वर्ब के लिए लगाओगे तो एडजेक्टिव नहीं, क्या लगाना चाहिए था आपको एडवर्ब, और एडवर्ब लगाओगे तो क्या हो गया स्टीडली, स्टीडी में आई एल वाई लगाओगे स्टीडली इंक्रीजिंग, तो ये हो गया हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टीडी लिखा है होगा नहीं, स्टीडली भी तो नहीं होगा, तो फिर पहला ऑप्शन हुआ। अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर 20 में, तो ये 20 है, 20 में क्या इन्होंने सेम मीनिंग बतानी है, किसकी बतानी है, एनिग्मेटिक की बतानी है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है ना कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ लिखा हो जैसे हम एक पैराग्राफ आपको लिख कर दे दें एनिग्मेटिक, और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एनिग्मेटिक हो जाएगा। तो ग्रम्पी एक दिया हुआ है, तो ग्रम्पी का मतलब क्या होता है बताओ, ग्रम्पी मतलब ना चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, तो ये होगा नहीं, ग्रम्पी इज चिड़चिड़ा, हमारी अंग्रेजी सुने ग्रम्पी इज चिड़चिड़ा, ठीक है मज़ा आ रही होगी। मिस्टीरियस का मतलब होता है जो आपको समझ में ना आए, रहस्यमय है, तो ये क्या साइनोनी मिल गया, मिस्टीरियस आंसर हो गया। लिटरेट का मतलब हुआ साहित्यिक, पढ़ा लिखा आदमी, इलिटरेट का मतलब अनपढ़ आदमी है। ठीक है, आगे आ जाओ, 21 से लेकर के 25 तक क्या होता है अच्छी तरह से पता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पांच खाली जगहें दी हैं, इन्हीं को आपको भरना है, इनकी जगह पर क्या लगेगा, तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ITIS, ठीक है फिर से पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग देयर आर मोर देन 60 डेज ऑफ रैट, तो चूहे की, अब देखो यहाँ लग गया टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक मतलब क्या हुआ वर्गीकरण करता है, तो इसका मतलब ये प्रजातियाँ होंगी यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि चूहों की 60 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई गई हैं। आगे लिखा है विच मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि दे कम इन ऑल साइजेज, मतलब चूहे हर साइज के होते हैं, बहुत सारी साइज में आते हैं, अब इसका मतलब यहाँ साइजेस को एक्सप्लेन किया जाएगा। दे आर डैश 5 inches, मतलब क्या हुआ ये शुरू होते हैं कहाँ से, 5 inch से, 5 inch मतलब करीब 12 centimeter, दे आर डैश 5 inches आर लॉन्गर, मतलब ये 5 inch या उससे लंबे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। लिखा है द लार्जेस्ट स्पेसीज इज, जो इसमें चूहों की सबसे बड़ी प्रजाति है वो कौन सी है, वो है बोसावी वुली रैट, बोसावी वुली रैट कहाँ पाया जाता है, विच वाज डैश, जिसको कि पाया गया या देखा गया इन 2009 में देखा गया इसको इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ पापुआ न्यूगिनी के वर्षा के बनों में, रेन फॉरेस्ट में ये चूहा देखा गया था। ठीक, और सबसे बड़ा है और इसका नाम क्या है, बोसावी वुली रैट। अब देखते हैं इनके बारे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे होगा कि इसको देखा गया या पाया गया, तो फाउंड या डिस्कवर्ड या सीन ऐसा कुछ यहाँ पे वर्ड मिलेगा। आगे आओ, अब आगे लिखा है कि डज नॉट हैव अ साइंटिफिक नेम येट, अभी इसका साइंटिफिक नेम नहीं पड़ा हुआ है, अभी 2009 में आया है तो अभी इसका साइंटिफिक नेम नहीं बना।
आगे लिखा है इट इज़ डैश द साइज ऑफ कैट। अब यहाँ साइज की बात कर रहे हो और कह रहे हैं कि ये बिल्ली के साइज़ का होता है, मतलब करीब 32 इंच होता है, मतलब 82 सेंटीमीटर, थोड़ा कम और होता तो 1 मीटर का हो जाता। फ्रॉम नोज़ टू टेल, मतलब उसके नोज से लेकर के पूंछ तक की उसकी लंबाई 32 इंच की होती है, ठीक है। तो इट इज़ डैश, तो करीब ये बता रहे हैं लगभग इस साइज़ का होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर पे लगभग लगभग का वर्ड, नियरली, आलमोस्ट, अबाउट, ऐसा कोई वर्ड आएगा। एंड यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है, एंड अराउंड 3.3 IBS, ये IBS मतलब पाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, पाउंड जानते हैं ना, 4 पाउंड 5 पाउंड 8 पाउंड ऐसे होता है, या किलोग्राम में बता दिया इन्होंने, करीब करीब 1.5 किलोग्राम का होगा अकॉर्डिंग टू CNN। तो अगर ये वेट बता रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वेज लिखा होगा, वेट ही तो बताए हो, एंड वेज WEIGH, ये वेट वर्ब हो गई तोलने की, एस लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, और देखो यहाँ पे अराउंड लगा है ना, करीब करीब के लिए, लगभग के लिए इन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अराउंड। इन्होंने कहा कि करीब 1.5 पाउंड 1.5 किलो का होता है, तो उसके लिए इन्होंने अराउंड यूज़ किया। तो हो सकता है साइज के लिए भी अराउंड वर्ड यूज कर दें, अगर अराउंड नहीं मिलेगा तो हमें अराउंड की ही, इसी अराउंड की फीलिंग का कोई वर्ड लेना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ आ जाओ, पहले वाले में आ जाओ। तो ये प्रजातियों की बात हो रही है, नीचे आके डिस्कशन किया गया चूहे की करीब 60 प्रजातियाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्पेसीज यूज करोगे, इसके अलावा और कोई वर्ड सोचना भी मत। तो चूहे की 60 ऑब्जेक्ट और 60 एंटाइटीज और 60 सेक्शंस नहीं होंगे, वो स्पेसीज की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ आपका फिलर नंबर 2। तो फिलर नंबर 2 पे ये रहा आपका, यहाँ क्या लगाना है आपको, यहाँ पे R-inches। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने कह रहे हैं कि they are 5 inches, करीब करीब ये 5 इंच के होते हैं, मतलब जनरली हम यहाँ क्या आ रहे हैं, ये जनरली 5 इंच के होते हैं, सामान्य तौर पर ये 5 इंच के होते हैं। तो जनरली के लिए क्या लगाओगे, मैनुअली, मतलब हाथ से बनाया हुआ होगा नहीं, मॉडेस्टली, विनम्रतापूर्वक होगा नहीं, सर्जिकली मतलब ऑपरेशन करके नहीं किया गया है, टिपिकली मतलब क्या होगा, जनरली, यूजुअली ये 5 इंच के होते हैं, तो ये ले लो। आगे आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका फिलर नंबर कौन सा होगा, ये होगा थर्ड वाला। तो थर्ड में यहाँ पे क्या लगाना है, वाज, इसको खोज की गई, इसको पाया गया ना, तो इसको 2009 में इसका पता चला था, तो डिस्कवर्ड तो हो सकता है, क्योंकि इन्वेंट तो किया नहीं है, इन्वेंट का मतलब किसी ने चूहे का आविष्कार नहीं किया है, ये पहले से ही था, हाँ पता इसके बारे में, 2009 में चला, तो ये खोजा हुआ है, ठीक है, इन्वेंट नहीं किया गया है, और डिन्यूडेड और स्क्रीन का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, तो डिस्कवर्ड लगाओ। आगे आ जाओ आपके नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला है भैया आपका फिलर नंबर 4, यहाँ क्या लगाना है, तो मैंने कहा था करीब 32 इंच का, तो लगभग, और यहाँ पे लगभग के लिए अराउंड लगा है, और यहाँ पे अराउंड हमको मिला नहीं, तो फिर क्या लगा लें, अराउंड से मिलता जुलता क्या होगा, लगभग के लिए अबाउट लगा सकते हो, तो अबाउट लगा लो। अब आखिरी वाले फिलर पे आ जाओ, ठीक है। तो ये वाला है, पांचवें वाले में क्या करना, यहाँ पे तो वज़न बता रहे हो, वज़न बताने के लिए वेज लगा लो, और क्या होगा, मेजर्स, मेजर तो नापा जाएगा ना, टेप लगा के नापा नहीं जाएगा, वज़न बताया जा रहा तो तौला गया होगा, तो तौल लगाना होगा, काउंट संख्या में आ जाएगा, इवेलुएट्स मतलब नहीं आएगा, क्या आएगा, वेज, वज़न बताने के लिए। तो भैया देखो, अब आपके 25 questions each into 36 sets, ठीक है, और इट इज़ ऑल अबाउट CHSL 2022, ठीक, जो 23 में पेपर हुआ था, ठीक है, मार्च में। अब आपका CHSL 2023 होने वाला है अगस्त में, उसके पहले मैंने आपको ये 36 सेट दे दिए हैं, आप इनको बढ़िया से देख लीजिए, एक बार दो बार, जितनी बार, वैसे दो बार देखने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, इतना भी आप मतलब कम समझदार नहीं है, तो एक बार के लिए ही हो जाएगा। हाँ, कोई भी किसी वीडियो में ज़रूरत पड़े तो दो बार देख लेना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, PDF सारे के सारे आपके पास हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं सेगमेंटेड करूँगा, इसके भी जैसे मैं CGL में शुरू किया हूँ वैसे इसमें भी कर दूँगा, CHSL के जो ये अभी जो कराया हूँ 36 सेट, इसमें सारे के सारे एंटोनीम, सारे के सारे साइनोनीम, ठीक है, तो एंटोनीम, साइनोनीम, वन वर्ड, idiom, एरर और फिलर और इम्प्रूवमेंट और मतलब जितने भी आ रहे हैं स्पेलिंग वाले,
सेगमेंटेड करा दूंगा, तो जितने सेगमेंट होते हैं उतने दिन की और वीडियो मिलेगी। तो एक बार आप ऐसे कर डालिएगा, फिर कलेक्शन पे चले जाइएगा तो कलेक्शन मिल जाएगा आपको अच्छा खासा करने को, ठीक है। तो इसी वीडियो को दोबारा देखने से अच्छा होगा कि आप वो सेगमेंटेड वाला देख लीजिए, कलेक्शन देख लीजिएगा। CGL का भी कलेक्शन दे रहा हूँ, CHSL का भी कलेक्शन दे रहा हूँ और MTS का भी दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही सब मिल जाएंगे। तो चूंकि आज ये CHSL के सेशन का आखिरी दिन है, तो हमारी आप लोगों से मतलब बहुत सारी उम्मीदें हैं, बड़ी सारी अपेक्षाएं हैं, और मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं जो भी अब CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग CHSL के एग्ज़ाम में सबके सब लोग सफल हो। और मुझे मिठाई भेजो, मिठाई भेजो का खुद आके मिठाई खिला जाना यार, जब जाओ लग जाएगी तो इतना थोड़े ना पैसे की चिंता होगी ना, आ जाना तब एक बार, ठीक है, आमने सामने मुलाकात भी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और फिर मिलेंगे अब इसी के लिए किसी और नए सेगमेंट के साथ अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।